वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी कृति। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैलेंटाइन मेकअप लुक। सो इसमें आपको इंडियन फ्यूजन और वेस्टर्न फ्यूजन दोनों मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले लगाएंगे हम प्राइमर और उसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। मैंने लिया है यहाँ पे एले गर्ल का कलर करेक्टर और ये इन ऑरेंज शेड में है, तो ये हमारे जो डार्क सर्कल्स होता है उनको हाइड करता है। तो किसी के डार्क सर्कल्स हो तो वो अप्लाई करें पहले, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद लिया है मैंने यहाँ पे एले गर्ल का प्रो कंसीलर और उसको अपने फेस पे अप्लाई करके जहाँ पे डार्क पॉइंट्स है वहाँ पे अप्लाई करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड उसके बाद मैंने लगाया है यहाँ पे स्टेक वर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड मैंने लिया है यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्रो पाउडर एंड अपनी ब्रोज को फिल कर लिया। देन उसके बाद मैंने ये आई शेडो पैलेट लेके इसमें से ये क्रीम शेड को अपनी क्रीज पे अप्लाई किया है। देन सेंटर ऑफ लिड पे अप्लाई करने के लिए मैंने ये ब्राउन शेड लिया है एंड हम थोड़ा सिंपल स्मोकी लुक रखेंगे एंड मैंने ब्राउन स्मोकी लुक क्रिएट किया है। देन उसके बाद लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। उसी शेड को मैंने ब्रॉन्जिंग के लिए भी यूज कर लिया है, सो आप देख सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे शुगर का ब्लश पैलेट एंड अपने फेस को ब्लश अप्लाई कर लूंगी। देन लिया है मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइट का हाइलाइटर एंड बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं कितना इंस्टेंट ग्लो दे दिया इसने लगाते ही। देन मैं अपने आईलैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूंगी, देन उन पे मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। ब्रश में जो हाइलाइटर बच गया था उसी को मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूंगी। मैंने लिए यहाँ पे मेबलिन की क्रीम लिपस्टिक एंड इसके अंदर ये शेड आप देख सकते हैं एंड इसको अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये दिस डार्क शेड एंड मैंने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लुक ट्राई किया है एंड आप देख सकते हैं मैं उसको लाइटर शेड को अंदर की तरफ रखूंगी या डार्कर शेड को अपर की तरफ रखूंगी तो कितना सुंदर लगता है। एंड उसको हैंड की हेल्प से हल्का सा मर्ज कर लूंगी। देन मैंने लगाई है यहाँ पे बिंदी एंड दिस इज द फाइनल लुक। आप ये वाला लुक भी ट्राई कर सकते हैं, ये मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला है, आप देख सकते हैं। एंड गाइज ये लुक आप इंडियन वेयर और वेस्टर्न वेयर पे वियर कर सकते हैं, जस्ट आपको इंडियन वेयर के अंदर बिंदी लगानी है और वेस्टर्न वेयर में बिना बिंदी के चल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल सो मच।